अबे क्या हो गया तुझे, मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया? ओ सॉरी सॉरी साथ, ये मेरा हाथ है, इस्त्री वाला स्टैंड थोड़ी है। तो ये है इस शहर का मशहूर धोबी। जी जी साहब, बंदा ना चीज हाजिर है, क्या हुक्म है मेरे लिए? धोबी जानते हो इस डब्बे में क्या है? अबे ओए सस्ती फिल्म के हीरो, हम धोबी हैं, नजूमी थोड़ी हैं, हमें क्या पता डब्बे में क्या है। दोबारा ऐसा ठंडा जोक मत करना, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। छोड़े बॉस, जो हम काम करना है वही करते हैं। और जानते हैं जी, क्यों नहीं जानते? ये वही है ना जो ट्रेन में पापड़ बेचता है। शट अप। छोड़ो मलक साहब, अब मेरी बात गौर से सुनो धोबी। दुबई के मशहूर शेख अल जलेबी ने ये कुर्ता मुझे गिफ्ट किया है। हाँ तो हमें भी ये कपड़ा इंडिया से रवीना टंडन ने गिफ्ट किया है, आप बोल। तुझे चुप नहीं आती? छोड़े मलक साहब इस बेवकूफ को, आप बताएं क्या करना है इस कुर्ते के साथ? इस कुर्ते को बेहतरीन तरीके से प्रेस करना है, इस्त्री करना है, इस्त्री। और खबरदार, अगर इस कुर्ते पर कोई दाग लगा या इसको कोई नुकसान पहुंचा तो। नहीं तो तू क्या करेगा? तू बदमाश है तो हमें जानता है हम कौन है और हम क्या करेंगे। ओह नो, हम धोबी हैं और इसको अच्छे तरीके से इस्त्री करेंगे। आप टेंशन ना ले, मुंह मांगे पैसे दूंगा, बस इस कुर्ते का ख्याल रखना, बहुत ही कीमती कुर्ता है। बेफिक्र होकर साहब जाएं, अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा इस कुर्ते की। 10 मिनट तक आके मैं लेता हूँ, मैंने फंक्शन पे जाना है। देख ये कुर्ता बहुत ही कीमती है और मलक बंदा भी बहुत खतरनाक है, इस कुर्ते को मैं खुद प्रेस करूंगा, तू जाके कपड़े निकाल। आप मेरे टैलेंट पे शक कर रहे हो? आपको क्या लगता है मैं इस कुर्ते के काबिल नहीं हूँ? 4 साल काम किया आपके साथ, हाथ तक जलवाए हैं और आज मैं इस कुर्ते के काबिल नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ काम छोड़ के। रुक रुक, पास हूं। ले बेटा तू कर ले इसको प्रेस, जरा एहतियात से करियो, मैं कपड़े निकालता हूँ। ठीक है, आज तो खेलूंगा इस कुर्ते के साथ। ओह नो, उम्र सारी। आज अगर इसने मलक का कुर्ता सही इस्त्री कर दिया तो इसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। कौन है? हाँ आशिक, आशिक। किसका आशिक? मतलब आशिक धोबी बात कर रहा हूँ। रॉन्ग नंबर। अब जाके देखता हूँ मलक के कुर्ते का क्या बना। हाँ बेटा, मलक साहब का कुर्ता इस्त्री हुआ कि नहीं? जी जी, मैंने कर दिया है कुर्ता। कर दिया है? हो गया उस्ताद जी, हो गया। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। नहीं अभी चाय नहीं पीनी मैंने। अच्छा आप बैठे, फिर मैं आपकी टांगे दबा देता हूँ। बेटा आपकी तबीयत तो ठीक है, बड़े तमीज से पेश आ रहे हैं आप। उस्ताद है ना आप। लो जी मलक साहब भी आ गए। हाँ भाई, मेरा कुर्ता रेडी हुआ कि नहीं? जी जी मलक साहब, हो गया है। लड़के ने बड़ी मेहनत से आपका कुर्ता इस्त्री किया है, ले जी। मैं चेक करता हूँ। चेक करने की क्या जरूरत है मलक साहब, बहुत अच्छे से इस्त्री किया है, घर ले जाएं इसको बस। चेक तो करने दो। पागल के बच्चे, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तूने कुर्ते के साथ? क्यों मार रहे हो यार? मलक साहब क्या हो गया, पढ़े लिखे बंदे हैं आप, यार ये तो फैशन है आजकल का। आपने वो लड़के नहीं देखे जिनके बाल खजूर के तने की तरह खड़े होते हैं, पैंट यहाँ से यहाँ से यहाँ से फटी होती है, वो ये कुर्ते का नया फैशन आया है, आप पहन के तो देखें। अगर ये नया फैशन आया है ना, तेरी दुकान में जितने भी लोगों के कपड़े पड़े हैं उन सब पे यही फैशन बना। फैशन भी तो